हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हमारी एक सीरीज स्टार्ट हो गई है मैथ्स की। सो दिस इज थर्ड डे। इस वीक पे हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पेशली फॉर टारगेट आरबीआई ग्रेड बी। इसकी क्वांट की डेली डोज रोज 5 बजे इसकी एक वीडियो में लेके आता हूँ। तो क्वाड्रेटिक की पहले 2 वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक सीखा है और ट्रिक सीखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देख लीजिए, क्योंकि अब आगे हम चीजें थोड़ी सी हाई लेवल करेंगे। अगर वो आपने नहीं देखा होगा तो आपको ये चीजें समझने में मुश्किल होगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीक में क्वाड्रेटिक हमारा टॉपिक है। अगले वीक में नंबर सीरीज, जो आपको हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन इसके मिलते हैं, और इन दोनों टॉपिक में न्यू पैटर्न के क्वेश्चन देखे गए हैं जो काफी ईयर से आ रहे हैं, पिछले 2-3 साल से, तो वो हम करने वाले हैं। इसके अलावा उससे अगले वीक में हम टाइम एंड वर्क करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टूडेंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो छोटी वैल्यूज होती है वो तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन जो बड़ी वैल्यू होती है उसे कैसे सॉल्व करें। साथ के साथ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर रूट आ जाता है तो कैसे सॉल्व करें, ये भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, कल का जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, तो इसका जो फाइनल आंसर है दैट इज 1 3 5 5 5। तो 1 3 5 5 5 ये आपके ऑप्शन है, इसके हिसाब से इनके आंसर आए थे। पहले का फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ एंड फिर फिफ्थ। जिन्होंने सही आंसर निकाला, बहुत ही बढ़िया, आप अच्छे से सीख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बड़ी वैल्यूज जो होती हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर्स काफी बड़े हैं, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें वही सॉल्व करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका सम है वो इतना होना चाहिए, माइनस का 97, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 22 × 105 होना चाहिए। तो आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका सम इतना आए और प्रोडक्ट इतना आए, 22 × 105। तो अब आपका सबसे पहला काम है कि आपको ऐसे 2 पेयर चाहिए, ऐसे 2 पेयर चाहिए जिसका टोटल माइनस में 97 आए और प्रोडक्ट प्लस में हो। माइनस में आएगा तो मतलब दोनों ही माइनस के होंगे, तभी इसका टोटल माइनस में आ रहा है, और माइनस इंटू माइनस आपका प्लस में प्रोडक्ट आ जाएगा। जो आप पेयर बना रहे हैं वो आपने इसी से ही ब्रेक करके बनाने। देखिए, ये जो 2 नंबर हैं, इस मल्टीप्लाई तो इतना ही होना चाहिए ना, तो जो भी आप 2 नंबर चाह रहे हैं उसका टोटल माइनस 97 होना चाहिए। बट अभी जो यहाँ 2 नंबर दिख रहे हैं, इसका टोटल कितना है, 127, ये हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका टोटल इतना आए, 97। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। जैसे 22 को हम सिर्फ 11 × 2 ही लिख सकते हैं, एक ही ऑप्शन है, लेकिन 105 को हम लिख सकते हैं 15 × 7, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब क्या करिए, आप ना किसी 2 को कंबाइन करिए, जैसे 11 × 7 77 और 15 × 2 कितना हो गया, 30। तो ये दोनों इक्वली तो है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने वही यहाँ पे लिखा है ना, उन्हीं से ही ये दोबारा फिर से 2 नंबर बनाए हैं। अब इनका टोटल कितना आ रहा है, अगर आप देखें 107, इन दोनों का टोटल 107 आ रहा है, हमें क्या चाहिए था, 97। तो ये बात नहीं बनी। ऐसे ही आप, अगर आप जैसे हमने यहाँ पे पेयर लिया, फर्स्ट और लास्ट और मिडल वाले लिया, आप एक बार फर्स्ट और थर्ड भी लेके देखो और सेकंड और फोर्थ लेके देखो, तो आपको क्या दिख रहा है, 11 × 15, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, हमें तो 97 चाहिए था। तो इतना बड़ा अगर एक ही नंबर है तो दोनों का टोटल 97 तो नहीं आएगा, तो इससे बात नहीं बनी। इसलिए हम कुछ और ट्राई करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट था 22 × 105 है, इसके अंदर हमें ट्राई करना है कि कुछ और बन जाए। तो ये 11 × 2 लिख लिया, इसको ले लेते हैं हम 21 × 5 भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है 55 और इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 42, एंड यू विल सी फाइनली हमें जो 97 चाहिए था वो मिल गया, 97। तो हमारे जो पेयर बन गए स्टूडेंट्स, वो क्या बन गए, -55 और -42, जिसका टोटल इतना आ रहा है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें साइन चेंज कर देने हैं, और उसके बाद जो आगे वैल्यू पड़ी है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली ये आपके पास 2.5 आ गई, और ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2 आ गई, दैट्स इट। तो इसके आंसर है 2.5 एंड सेकेंड वन इज क्लोज टू 2। ऐसे आपको सॉल्व करना है।
अब ये थोड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो डेफिनेटली हमें सॉल्व करने में परेशानी होगी, थोड़े बड़े नंबर्स हैं तो टाइम तो लगेगा, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें सेकंड केस में y वाली इक्वेशन में प्रोडक्ट है 35 into 4, अगर आप इनका टोटल अभी करके देखें तो 59 आ रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए 61, तो हमें इसको ब्रेक करके फिर से दो नंबर लाने पड़ेंगे कि जिससे टोटल हमें मिल जाए 61। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले को 7 into 5, दूसरे को क्या लिख सकते हैं हम 4 into 6। तो इनसे ट्राई करिए, जैसे 7 4 28 और 5 6 30, तो ये 58 आया, ये बात नहीं बनी। और अगर ये देखें 7 6 42 एंड 5 4 20, तो ये भी बात नहीं बनी क्योंकि ये 52 आ रहा है, तो ये बात नहीं बन रही। और कोई ब्रेकअप कर सकते हैं, यस 35 को तो 7 और 5 रहने देते हैं, 24 को कुछ और करके देखते हैं, 8 into 3 करके देखते हैं। अब अगर आप देखें तो ये 56 हो गया 7 8 और ये हो गया 15, तो ये ऐड हो गया 71, बट हमें तो चाहिए 61, तो बात नहीं बनी। अब कुछ और देखते हैं, इसको एक्सट्रीम वालों को लेते हैं, 7 3 21 और 5 8 41, ये देखिए बात बन गई, हमें चाहिए था 61, मिल गया है 21 and 40। तो अल्टीमेटली यहां से हमें मिला इसके जो पेयर -21 and -40। अब हम आगे साइन चेंज कर देंगे और उसके बाद हम 35 से डिवाइड भी करते हैं y निकालने के लिए। तो अगर आप इसको 7 पे कैंसिल करें तो 3/5, इसको 5 पे कैंसिल करें तो 8/7। तो ये वैल्यू है 0.6 और ये वैल्यू है 1.14, जबकि आपको याद होगा x की वैल्यू 2.5 और 2 के पास आई थी और y की वैल्यू 0.6 और 1.14 है, तो आपको हर केस में x जो है वो y से ग्रेटर दिख रहा है। x की सारी वैल्यूज आप देखिए सारे y से, तो x ग्रेटर देन y दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें 5 ऑप्शन जो दिए होंगे उसमें से जहां x इज ग्रेटर देन y है वो हम आंसर लगा देंगे। आई होप आपको बड़ी वैल्यूज निकालनी समझ में आ गई है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पावर जो दिख रही है हमें 6 और 3 दिख रही है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक में बनाने के लिए हम x क्यूब को जो है वो p लेट कर लेते हैं, ऐसे ही जो y क्यूब है उसे हम q लेट कर लेते हैं। तो जो आपका पहला नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 27p², क्योंकि ये जो x की पावर 6 है, ये 6 को हम 3 into 2 लिख सकते हैं और x की पावर 3 को हमने क्या लेट कर लिया, p। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, हमें यहाँ पे 152 चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए 27 into 125। अगर आप ध्यान से देखिए इसका टोटल 152 ही है, तो यही हमारे पेयर बन गए, पेयर दोनों माइनस के बने हैं, -27 and -125, क्योंकि इसका टोटल भी यही आ रहा है और प्रोडक्ट भी यही आ रहा है 27 और 125। अब हम इनके साइन चेंज कर देते हैं और 27 से डिवाइड कर देते हैं जो आगे पड़ा था, तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई 1 and 125/27। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये p की वैल्यू आ गई, और जो p है वो हमने क्या लेट किया था, x क्यूब, यानी कि ये पहले वाला x क्यूब है जो आपका रिजल्ट आया है। तो x क्यूब अगर 1 है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, किसका क्यूब 1 होता है, 1 का, और अगर ये x क्यूब है सेकंड वाला, तो यहां से भी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं 5/3 का क्यूब। तो अल्टीमेटली क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/3। तो फाइनली वी आर गेटिंग 1 and 5/3, ये हमारी x की वैल्यू आ रही है, एक x 1 आ रहा है और एक 5/3, एक 1 वैल्यू आ रही है, एक 5/3 आ रही है। सिमिलर तरीके से आप अगली फाइंड करिए। अब हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए 8 into 216 और हम लेट कर लेंगे y क्यूब जो है वो q है, तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये बन जाएगी 216q²-91q+8=0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोडक्ट है हमारा 216 into 8। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर से हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिससे हमें 91 मिले। अब देखिए 91 का मतलब क्या है, ये एक ऑड नंबर है और आपको किसी दो नंबर का टोटल करके ऑड चाहिए तो एक इवन होना पक्का है, क्योंकि अगर दोनों ऑड होंगे तो आपको ऑड और इवन में, अगर दोनों ऑड होंगे, दोनों ही ऑड होंगे तो वहां पे आपको इवन मिलेगा, और दोनों इवन होंगे तब भी आपको टोटल इवन मिलेगा, तो इवन और ऑड के केस में ऑड मिलेगा।
तो हमें यहां से एक नंबर ट्राई करना है कि हम ऑड निकालें। तो ये तो ब्रेक हो नहीं सकता, पर इसको ब्रेक करते हैं ऑड की टर्म्स में। ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से डिवाइड हो जाता है, इवन 9 से भी हो जाता है। तो इसको 9 इंटू 27 लिख लेते हैं। तो अब आपका ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा बन गया 72 एंड ये 27। ये 72 और ये 27 यहीं पे हमारी बात बन गई, 91 हमें मिल गया है, राइट। तो पहले वाले में आंसर 1 और 5/3 आया था, इसके पेयर हमारे बन गए -27 और -64। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे और जो आगे पड़ा है 216 उससे डिवाइड कर देंगे। तो पहली वैल्यू आ गई 1/8, एंड ये जो है ये किसका क्यूब है देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो वैल्यू आई है ये वाई क्यूब की आई है, ये क्यू की वैल्यू आई थी और वो हम वाई क्यूब के इक्वल मान सकते हैं। तो पहले वाला 1/8 किसका क्यूब है, 1/2 का, और ये किसके क्यूब है, ये 4 और 6 के क्यूब है, यानी कि इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे 1 की वैल्यू इन दोनों से ज्यादा है, 5/3 की वैल्यू भी इन दोनों से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हर बार x की वैल्यू ग्रेटर देन y आ रही है। तो इस हिसाब से आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये किसी भी अरिथमेटिक क्वेश्चन में भी आपको ऐसी लेंथी प्रॉब्लम कहीं देखने को मिल सकती है, तो पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व बिगर वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक। तो पेयर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी प्रैक्टिस करके आप अच्छे बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद स्क्वायर रूट्स। आपको स्क्वायर रूट भी देखने को मिल सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे आपके सामने है ये क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बस प्रॉब्लम क्या है कि बीच में हमें कुछ रूट में फिगर दिया हुआ है और अल्टीमेटली हमें इसी के पेयर बनाने हैं, राइट। तो अब देखिए 9√5 के पेयर बनाइए ऐसे कि हमें जो प्रोडक्ट मिले वो 100 मिले। अब ये ब्रेक जब भी होगा तो दोनों में रूट फाइव आएगा, जैसे 9√5 का आप ब्रेकअप क्या कर सकते हो, जैसे 8√5 + 1√5 ऐसा कर सकते हैं, या फिर 7√5 + 2√5, 7 and 2 9 होता है, या फिर 6 and 3 9 होता है। तो इसी टाइप से आप कर सकते हैं ना। तो अल्टीमेटली जो भी आप रूट वाले के पेयर बनाएंगे उसमें दोनों में ही रूट कंपल्सरी है, तभी तो वो ऐड होके आपको रूट वाला देगा, राइट। तो ये क्लियर है कि इनकी मल्टीप्लाई में दोनों में रूट आएगा। तो इसमें जो हमें पेयर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, देखिए अल्टीमेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो भी ये पेयर आ रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए, राइट। तो कैन आई से कि इन दोनों में रूट फाइव और रूट फाइव आएगा, तो अगर मैं ये रूट फाइव और रूट फाइव को एक बार देखूं तो ये कितना आ रहा है, 5। अब 100 मुझे इस पूरे से मिल रहा है जिसमें दो नंबर तो रूट फाइव और रूट फाइव है, जिससे 5 मिल रहा है, टोटल मुझे 100 चाहिए। तो इट मीन्स जो बाकी ये जो दो आगे नंबर लगे होंगे इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 20। तो अल्टीमेटली मुझे दो नंबर ये आगे वाले मिल जाएंगे जिसका प्रोडक्ट आ रहा 20, और उन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 9। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसका आगे का टोटल 9 आए और ये आगे का प्रोडक्ट 20 आए, तो वो नंबर है 5 and 4, वेरी सिंपल। और रूट फाइव तो दोनों में आना ही आना है, ये आपके पेयर्स बन गए, ये आपके पेयर्स बन गए। स्टूडेंट्स पेयर बनाना बहुत आसान है रूट वाले में, देखिए दोनों में रूट फाइव आएगा ही आएगा, राइट। दोनों के अंदर ही रूट फाइव आएगा। मान लीजिए पहले वाला ए रूट फाइव है और दूसरे वाला बी रूट फाइव है, तो अल्टीमेटली इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको 100 मिल गया है, कैसे, 20 × 5 से। तो यहां से ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई, √5 × √5 5, 100/5 आपको मिल गया 20। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 20 है और इन दोनों का टोटल कितना है, 9√5। तो अल्टीमेटली ए प्लस बी की वैल्यू 9 है, तो कौन से ऐसे दो नंबर है जिसका टोटल 9 है और प्रोडक्ट 20 है, तो सिंपली 4 and 5, और रूट फाइव तो दोनों में लगेगा ही लगेगा। अच्छा ये हमारे जो है वो पेयर बन गए हैं, अब हमें क्या करना होता है, इनका साइन चेंज करना होता है और जो आगे पड़ा है उससे डिवाइड करना है, तो ये हमारी वैल्यूज बन गई। सिमिलर तरीके से अगले वाले में प्रोडक्ट 80 आ रहा है, अब 8√5 को दो ऐसे रूट फाइव वालों में ब्रेक करो जिसका प्रोडक्ट 80 आ रहा है, तो दोनों में रूट फाइव तो आएगा ही आएगा। तो अल्टीमेटली 5 तो आपको यहां से मिल गया और 80 बनाना है, तो इट मींस जो बाकी दो नंबर होंगे उसका प्रोडक्ट कितना होगा, 16, क्योंकि 16 5 ही तो 80 होता है।
तो इन दोनों नंबर का टोटल 16 आ रहा है प्रोडक्ट, सॉरी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 16 आ रहा है और आगे वाला जो है वो 8 आ रहा है, तो वो पेयर क्या बन गए, 4 एंड 4। तो 4 रूट 5 भी साथ में लगा दो, ये हमारे पेयर बन गए, क्योंकि 4 4 जा 16 और ये 5 80 हो गया और टोटल आ रहा है 8 रूट 5। अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो इसको एक ही ले लेते हैं, माइनस 4√5/5। अल्टीमेटली हमारे पास क्या वैल्यूज निकली दोनों की, पहले की वैल्यू थी -4√5/5, यहाँ पे -5√5/5 और यहाँ पे -4√5/5। तो अल्टीमेटली अब कंपेयर करें तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमें मिल गया x इज इक्वल टू y। और अब इन दोनों में कंपेयर करें तो देखिए, एक है -5√5/5 और एक है -4√5/5। कंपेयर करिए, देखिए ये चीज तो सेम है राइट, और यहाँ 5 है यहाँ 4 है, तो अल्टीमेटली जितना नेगेटिव में नंबर बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है, तो इट मीन्स ये फर्स्ट वाला जो है सेकंड से लेस है, तो x इज लेस देन y, ये आपका आंसर हो जाएगा, x इज लेस देन y राइट। अच्छा एक और चीज स्टूडेंट, अब देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा और टाइम अपना बचा सकते हैं, जब यहाँ पे दोनों में रूट सेम हो तो आपको पता है कि रूट तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा सब में, तो जब सेम ही है तो उसे कंपेयर क्यों करना है राइट। तो उसे आप चाहे मत लिखिए, आप सिर्फ ये आगे वाले नंबर देख लेते तो भी काम चल जाता, और इवन जो आप डिवाइड कर रहे हो वो भी यहाँ पे बाय चांस सेम आ गया है, तो जब सेम ही है तो कंपैरिजन में कंपेयर ही क्यों करना है, आप सिर्फ आगे वाले नंबर देख सकते हो, अगर रूट सेम है तो रूट देखने की जरूरत नहीं, और आगे भी सेम किसी क्वेश्चन में आ जाता तो डिवाइड करने की क्या जरूरत है, आप डिवाइड मत ही करिए, सिर्फ आगे वाले नंबर कर लीजिए, -4 -5 और -4, सिर्फ इसको देख लीजिए, ये दोनों इक्वल है और यहाँ पे एक्स वाई से छोटा है, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये आपकी असाइनमेंट है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, सेम जो हमने अभी क्वेश्चन किया वैसे वाला क्वेश्चन है, इसमें आप आंसर कमेंट में बताइएगा क्या आएगा। अब हो सकता है कि आपको जो यहाँ पे रूट मिल रहा था वो अलग अलग मिले, अलग अलग वाले केस में क्या करना है देखते हैं। तो पहले 12√2 के पेयर बनाने हैं जिससे हमें प्रोडक्ट 70 मिले, तो 70 को पहले इस रूट के अंदर वाले से डिवाइड कर दीजिएगा, ये ट्रिक है, 35, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 35 आना चाहिए और यहाँ पर टोटल -12 आना चाहिए, तो -7 और -5 से बनता है -12 और प्रोडक्ट आ रहा 35 और √2 दोनों में होगा, ये आपके पेयर बन गए। अब आप साइन चेंज कर दीजिए और आगे तो कुछ है ही नहीं तो डिवाइड मत करिए क्योंकि 1 है राइट, तो ये एक्स आ गया। सिमिलर तरीके से वाई निकालते हैं, टोटल आपको जो चाहिए -6√3 चाहिए और प्रोडक्ट 24 चाहिए, तो 24 को इस रूट वाले से डिवाइड कर दीजिए तो 8 आ गया। अब कौन से दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट 8 है और टोटल -6 है, तो ये है -4 और -2, टोटल आ रहा है -6 और प्रोडक्ट आ रहा है 8 और √3 दोनों में लगा दीजिए। अब इनका क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, दैट सेट, तो ये हमारा वाई आ गया। अब बात ये आती है कि इनको कंपेयर कैसे करें, एक में √2 आ रहा है और एक में √3 आ रहा है, तो जब अलग अलग रूट आए तो इग्नोर नहीं कर सकते, कंपेयर करना ही पड़ेगा, और कंपेयर करने के लिए आप क्या करिएगा, सबका स्क्वायर कर दीजिएगा, सबका स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर बड़ा है तो ये नंबर भी बड़ा ही होगा, तो इसका स्क्वायर करिए, 7√2 का अगर स्क्वायर करें तो 7 का भी करना पड़ेगा, √2 का भी करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2, तो ये आपका हो गया 98, और ये वाला ऐसे ही सॉल्व करेंगे 50, 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 3 48 और 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 3 12। अब अगर आप कंपेयर करें तो आपको ये एक्स की सारी वैल्यू वाई से लार्जर दिख रही है, तो अगर इनका स्क्वायर बड़ा है तो ये वैल्यू भी डेफिनेटली बड़ी होंगी, एक्स ग्रेटर देन वाई वैल्यू आपकी आंसर आ जाएगी, तो स्क्वायर करके आप इन सबको देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इसमें कहीं साइन आता है एक्स और वाई में तो हमें सिर्फ सिर्फ इसी का स्क्वायर करना है, नेगेटिव वाले का स्क्वायर नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास वैल्यू ऐसी होती कि एक्स की वैल्यू है -2√2 में और वाई की वैल्यू है लेट्स से -3√4, तो हमें सिर्फ इसी का स्क्वायर करना है, 2 2 = 4
और इसका स्क्वायर 2, 4 2 8 और 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 4, तो ये आपको 9 4 36 जो भी आया, हम अल्टीमेटली सिर्फ ये वैल्यू देखेंगे। अब देखिए ये वैल्यू बड़ी है और ये नेगेटिव में है, तो ये एक्चुअली छोटी हुई, इट मीन x आपका बड़ा हो गया, x विल बी ग्रेटर देन y। हम नेगेटिव का स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ इस न्यूमेरिक वैल्यू को देखेंगे स्क्वायर करके कि ये वैल्यू एक्चुअली बड़ी आ रही है या ये वैल्यू एक्चुअली बड़ी आ रही है, राइट। तो आई होप अगर आपके पास रूट में वैल्यूज आ जाएंगी तो आप इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर यू स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी करिए ट्राई करने का। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं, कई बार हमें जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है 4 into √3 यही डायरेक्टली बीच में दे दिया जाता है, तो यही हमारे पेयर बन गए, यानी कि यहाँ पे बीच में आपको जो दे रखा है, आप ध्यान से देखें तो इसका टोटल और इसका प्रोडक्ट सेम ही तो आ रहा है, तो आपके जो पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, -4 और -√3। देखिए इनका टोटल इतना आ रहा है और इनका प्रोडक्ट प्लस में आ रहा है 4√3, तो आगे आप कर सकते हैं। पेयर आपको कई बार बीच में ही दे दिए जाते हैं, जो इसका प्रोडक्ट है वही बीच में लिख दिया जाता है ऐड करके, तो सिंपल हो गया ना ये, तो और इजी हो गया। तो इसका आंसर भी कमेंट में बताइएगा, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 6 दोनों का आंसर बताइएगा। सो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और Part 1 Part 2 अगर आपने नहीं देखा वो बहुत जरूरी है देखना। स्टूडेंट अगली वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम हाई लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पे जो क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप की चीजें, जो नई चीजें आजकल पूछी जा रही है, वो हम करने वाले हैं। अभी तक जो हमने किया ये बेसिक चीजें थी, लगभग कुछ हमने अभी हाई वैल्यू देखी, लेकिन पहले की जो वीडियो थी वो बेसिक्स थी, ट्रिक्स थी, लेकिन आगे वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत कीजिएगा। ऑल्सो RBI के वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेस, हमारा जो अभी वाला जो न्यू बैच है उसकी इंट्रो क्लास, फर्स्ट क्लास 29 जुलाई को होने वाली है, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। फॉर बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कॉन्टेंट, बेस्ट मटेरियल, क्रिस्प वीडियो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्लैट 40% ऑफ है, कूपन कोड है B40, और अभी एनरोल कर लीजिए ताकि अगले साल आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारे पास एक्सक्लूसिव कोर्स है जिसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया फीचर मिलते हैं, जैसे 101, एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट, स्पेशल ईमेल आईडी, आस्क डाउट फीचर, पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान, बहुत सारे अमेजिंग फीचर आपको मिलते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी एनरोल करिए, क्योंकि कोर्स के अंदर आप अपने डाउट्स प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हैं। एंड हम लोग क्वांट को और बेहतर इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस हमने बढ़ा दी हैं, अब 15 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपके कोर्स में होते हैं, इंक्लूडिंग बेसिक एज वेल एज हाई लेवल। बेसिक क्लास भी कराई जाती है और न्यू पैटर्न हाई लेवल वाली क्लास भी कराई जाती है। डाउट्स आपके तुरंत साथ के साथ सॉल्व हो जाते हैं, आपको चैप्टर टेस्ट भी सारे लेवल के प्रैक्टिस करने के मिलते हैं, आप मेल पे भी डाउट पूछ सकते हैं, हर वीडियो के नीचे भी डाउट का ऑप्शन होता है, वहां भी पूछ सकते हैं। एंड इस पेपर में DI और अरिथमेटिक भी आपको करना होता है, तो उस पर भी हम फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट आई एग्जाम भी आपको 50% प्रिपेयर करवाता है फास्ट, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम जॉब को पा लें। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले और बेल आइकन भी दबा दें। साथ के साथ NABARD का नोटिफिकेशन भी आया था स्टूडेंट, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो जरूर उसके लिए अप्लाई करें, उसका भी हमारे पास कोर्स है। आप चाहें तो आप हमारे कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं, RBI से भी NABARD तीनों का, या किसी दो का, RBI से भी या से भी NABARD। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे लिखिएगा, और आपको ये सीरीज कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।